नमस्कार, आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। आज हम लोग सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी या अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के कार्यालय को कैसे RTI लगाकर अपनी शिकायत की जानकारी ले सकते हैं, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबा लें, जिससे हर तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को शीघ्र मिलता रहे। लाइक एक अवश्य कर दें, उपयोगी लगे तो एक दूसरे को शेयर करेंगे। तो चलिए हम लोग सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के कार्यालय को कैसे RTI लगाएंगे जानेंगे। लिखेंगे या प्रपत्र को नियम लिख देंगे। सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रपत्र लिख देंगे। अगर जिन्हें यह फॉर्म है तो फॉर्म पे भरेंगे, या जिन्हें फॉर्म नहीं तो इसी प्रकार आप सादे कागज पर भी लिख सकते हैं। लिख देंगे सेवा में लोक सूचना पदाधिकारी जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी कार्यालय। अपने जिले का नाम लिखेंगे या अनुमंडल के स्तर से करेंगे तो अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी कार्यालय अनुमंडल का नाम लिख दे देंगे। अपना नाम लिखेंगे, पूरा पता लिख देंगे। मैंने एक आवेदन जिलाधिकारी को दिया था, जिसे जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी को स्थानांतरित कर दिया गया था। इसी के बारे में मैं सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत मैंने सूचना की मांग की थी, जिसका जवाब मुझे प्राप्त है। आप लोग भी इस तरह मांग सकते हैं, या आपने अनुमंडल या जिला लोक शिकायत में कोई शिकायत की है उसकी बाद संख्या देके भी अपना जो भी सूचना चाहते हैं उस तरह का लिखेंगे। तो मैंने इसमें दिया था कि मैंने जिलाधिकारी महोदय से मिलकर जन शिकायत कोषांग इतना को आवेदन दिया था, जिसे जनवरी इतना में जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी को स्थानांतरित कर दिया गया था। मैं जानना चाहता हूँ कि इस आवेदन पर क्या कार्रवाई की गई है, इस पर दोषी पदाधिकारी पर क्या कार्रवाई हुई, इस पर क्या आदेश पारित किया गया, आदेश एवं आवेदक पर किए गए रिपोर्ट की प्रमाणित छाया प्रति चाहता हूँ। आवेदक की छाया प्रति एवं ADM का निर्देश की छाया प्रति संलग्न। तो आप लोग भी इस तरह जो सूचना मांगना चाहते हैं उस तरह पॉइंट टू पॉइंट लिख लेंगे, और इसमें 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर फीस के रूप में दे सकते हैं, या बैंक चेक से दे सकते हैं, डिमांड ड्राफ्ट दे सकते हैं, या नॉन जुडिशियल स्टाम्प दे सकते हैं। जो गरीबी रेखा से नीचे के BPL परिवार के हैं वो अपना राशन कार्ड या उसका रसीद लगा के भेजेंगे, उन्हें निःशुल्क सूचना दी जाएगी। इस प्रकार करके भर देंगे और यह अपना हस्ताक्षर कर देंगे, अपना मोबाइल नंबर और पूरा पता इस प्रकार लिख करके भर देंगे। जिस भी क्षेत्र से, जिस भी स्थान से आपने सूचना मांगी है, स्थान का नाम देंगे, दिनांक। मैंने यह सूचना 2020 में ही मांगा था, जिसमें जवाब भी प्राप्त है, आप लोग भी देख लें। यह ADM का आदेश था। इसके बाद लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी का भी आप लोग देखें, यह है, देखिए जिला लोक शिकायत निवारण कार्यालय मधेपुरा जिला से संबंधित पत्रांक, यह जो है मुझे यह सूचना उपलब्ध करवाई गई थी 30 दिनों के अंदर। यह मुझे 18/2/2020 को सूचना उपलब्ध करा दी गई थी। इस प्रकार आप लोग भी कहीं भी किसी भी कार्यालय से आप लोग सूचना मांग सकते हैं और आप लोगों को शीघ्र सूचना दी जाएगी। 30 दिन के अंदर यदि कोई सूचना नहीं दी जाती है तो आप लोग प्रथम अपील अवश्य कर देंगे। जय हिंद।